पिछले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के उपयोग में कमी आई है। वहीं सीएनजी और बिजली से चलने वाले वाहनों का उपयोग लगातार बढ़ा है। देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे और हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम भी शुरू हो रहा है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे के मुताबिक 9 एक्सप्रेसवे पर 6,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी गई है। इनमें से 3,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यही कारण है कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल के बढ़ते मिश्रण, सीएनजी द्वारा संचालित वाहनों और बिजली से चलने वाले वाहनों के बढ़ते उपयोग के कारण पिछले दशक में 4.9% की तुलना में इस दशक में पेट्रोल और डीजल की संयुक्त मांग में गिरावट की संभावना 1.5% प्रति वर्ष होगी। क्रिसिल शोध रिपोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस प्रवृत्ति को नीतिगत हस्तक्षेपों से भी पक्ष किया जाएगा, क्योंकि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। एक संकेत के माध्यम से तेल रिफाइनर अपने उत्पादन मिश्रण को विकल्पों के पक्ष में बदल देंगे, जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया है। पेट्रोकेमिकल्स को भी उनकी लाभप्रदता को समर्थन करना चाहिए। क्रिसिल रिसर्च के निदेशक हेतल गांधी ने कहा कि देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। पेट्रोल की मांग में पिछले दशक में 8.4% से इस दशक में 1% की वृद्धि की संभावना है। एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए और ईवी बैटरी की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट हुई है। डीजल की मांग अपेक्षाकृत लचीली हो गई है। पहले 3.9% की तुलना में 2% वार्षिक वृद्धि हुई है। दो पहिया वाहनों के लिए गैर एक्सपोजर, जहां शिफ्ट में बदलाव किया गया था, ईवीएस की मांग में वहीं तेजी आई है और मालवाहक वाहनों के एक महत्वपूर्ण अनुपात की उपस्थिति है, जहां सीएनजी और ईवी प्रवेश सीमित होगा। उन्होंने कहा कि मांग में बदलाव के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में डीजल और पेट्रोल का अनुपात 2030 तक 50% से घटकर 44% हो जाने की उम्मीद है। फिर भी रिफाइनर से 37 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता जोड़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। ये सभी सुविधाएं परिवहन, ईंधन और पेट्रोकेमिकल दोनों का उत्पादन करने में सक्षम होगी।